But how is it working with Himesh? Of course, आपको तो तजुर्बा है. Himesh, as an actor, उन्हें उतना तजुर्बा नहीं है. तो उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? जब मैंने हमने वर्कशॉप्स भी की हैं दमादम स्टार्ट करने से पहले 1.5 मंथ्स हमने सबके पास स्क्रिप्ट थी. वी न्यू हम क्या कर रहे हैं, क्या सेट पे होने वाला है. तो 1.5 महीने हमने वर्कशॉप्स की. और जब मैं पहले एचआर को मिलने गई, आई कॉल हिम एचआर, हिमेश को मिलने गई, एंड हमने जब रिहर्सल शुरू किए, मैं कोई प्री कंसीव नोशन के साथ नहीं गई थी. ये मैंने नहीं सोचा था कि ये इस तरह के एक्टर हैं या मैं उन्हें जज करूं या यू नो, मैं बहुत ओपन माइंड के साथ गई थी क्योंकि फॉर मी ही वॉज अ फेलो एक्टर. और जब हम थिएटर करते हैं, मैंने थोड़ा थिएटर किया है, तो हम रिहर्सल करते हैं तो एक ओपन स्पेस और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं कि चलो, एंड इट्स अबाउट गिव एंड टेक. तो जब मैंने हमने स्क्रिप्ट की शुरुआत की पढ़ने की, I was a little surprised because बहुत ही natural और बहुत ही confident तरीके से HR came across as an actor. और मुझे लगा, अरे वाह, ये तो जो समीर का किरदार है, I thought it was apt for him because वो इतने उसके साथ, and he's so close to समीर, you know, personally also. तो मुझे effortless लगा उनका performance. तो मुझे लगा मैं कौन होती हूँ उन्हें judge करने वाली, because you know I think he's doing a fabulous job. So let him, we need to give him a chance to prove that. तो उन्होंने एज एन एक्टर मैं काफी इंप्रेस्ड हुई. और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ मेरे को स्टार हैं और मैं कर रही हूँ, बट मुझे लगता है हिमेश इज हैज डन अ फैबुलस जॉब इन द मादम एंड हैज आई पर्सनली फील इंप्रूव लीप्स एंड बाउंड्स. वाओ, फ्रॉम द फर्स्ट शॉट ऑफ द फिल्म टू द लास्ट शॉट. ओह, वो इवॉल्व्ड, ही इवॉल्व्ड एज एन एक्टर. ओह यस, डेफिनेटली. और वो एक जर्नी थी मुझे लगता है, और हम सब की, वाई जस्ट हिमेश, हम भी, मैं भी, यू नो, हम फिल्म देखते तो लगता है अरे ये सीन में थोड़ा ऐसा कर दिया होता है, वो हर एक एक्टर को लगता है, होता ही है. बट ऑन द होल वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ इट, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे लगता है कि नहीं यार, हमने एक दिल से और मेहनत से और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ऑनेस्ट फिल्म बनाई है, और काम भी ऑनेस्टी के साथ हुआ है. सो आई थिंक आई वुड गिव इट टू हिमेश फॉर दैट, फॉर रियली वर्किंग हार्ड. एंड दिस टाइम एक वो भी था कि मैं जरा प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ, तो एक जज्बा था. वेरी ट्रू. आप क्या कहना चाहेंगी सोनल? सी, आई फील जैसे आपने कहा कि हिमेश को इतना तजुर्बा नहीं है एक्टिंग का, आई थिंक ही टेक्स ऑल दिस क्रिटिसिज्म दैट कम्स हिज वे, ही टेक्स इट वेरी पॉजिटिवली. सो आई फाइंड हिम अ वेरी सिंसियर एक्टर, यू नो, विच आर वेरी फ्यू in the industry. Right. Because so he comes, he's always prepared. Wo, he doesn't fool around on sets. There's no fun in games, you know. Wo kabhi apni lines nahi bhulte. Wo pure prepared aate hain. So it's a good working energy, you know, because you can see how much he's trying, you know. Yes. So he's very sincere and it's great to work with people who are sincere. Tell me, you know, aapne ek bahut interesting baat kahi ki shuruaat se lekar ant tak agar hum dekhe to Himesh has really evolved as an actor. Yeah. आपने उनकी पहली फिल्म देखी होगी आपका सुरूर? मैंने देखी थी आपका सुरूर. राइट. आपका सुरूर देखती हो और अब दमादम देखती है, शायद डबिंग के दौरान देखती है. राइट राइट. आपको लगता है ही इज इवॉल्व्ड एज एन एक्टर? डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ आल्सो आपको लाइक आई इफ आई रिमेंबर आपका सुरूर वाज उनके पर्सोना से बहुत क्लोज था. हाँ, वो एक रॉकस्टार का रोल निभा रहे थे. Right. वो जब एंड दैट टाइम हिमेश का वो जो पूरा एक फेस चल रहा था, ये हिट और ये गाने और आपका सुरूर, आशिक बनाया, दिस दैट एंड एवरीथिंग, तो वो एक पर्सोना था. तो लेकिन वो एक आई समय फील कि आपका सुरूर के वक्त तो काफ़ी मुझे ऑनेस्टली जब मैंने देखी तो मुझे अगेन लगा कि ये तो काफ़ी क्लोज टू वॉट ही इज एज अ पर्सन, रॉक स्टार एंड दैट हैट एंड एवरीथिंग. बट जब दमादम आई तब ही हैड टू प्ले समीर, अ बॉय नेक्स्ट डोर, अ मैन हु इज, यू नो, वो कोई हीरोइज्म नहीं है कि मैं 10 लोगों को ऐसे उठा के फेंक देता हूँ, नथिंग. ही इज़ अ वेरी नॉर्मल पर्सन, ऑफिस में काम करता हुआ आदमी है जिसकी एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो थोड़ा डरता भी है, एवरीथिंग, एक जरा यार इरिटेट भी होता है, वो चाहता भी है इसे, यू नो. और फिर सोनल आती है तो अचानक उसकी ज़िंदगी, यू नो. सो आई थिंक उसमें वो जो एक ट्रांजिशन था कि ये आपका सुरूर में रॉक स्टार हिमेश रेशमिया टू दमादम अ नॉर्मल गाय नेक्स्ट डोर समीर, वो काफ़ी ऑब्वियस था मुझे लगा. और मुझे ऑनेस्टली तभी मुझे मैं ये कह सकती हूँ कि आई हैव सीन हिज ग्रोथ फ्रॉम दैट टू दिस. आप भी यही सोचती हैं? आई फील या यू नो द कैरेक्टर ऑफ समीर, आई डोंट नो वेदर ही रिलेट्स मोर टू द कैरेक्टर और यू नो, या लेट्स गिव हिम लाइक ही इज रियली इम्प्रूव्ड. या बट यू नो इट्स लाइक शी सेड, इट्स वेरी एफर्टलेस, इट जस्ट फ्लोज. आपको कहीं ऐसे लगेगा नहीं कि यू नो ओवर एक्टिंग या uncomfortable hai wo ya or anything like that. And honestly I feel very awkward ke who am I to judge also. Yeah.
मैं किस बिना पे उन्हें जज नहीं एज अ व्यूअर आपने उनकी पिक्चर देखी होगी नो नो डेफिनेटली आई डू बट आई स्टिल फील दैट वन कांट बी जजमेंटल हां ये आई डोंट राइट सॉरी बट द फनी थिंग इज मैं तो बिल्कुल जज नहीं कर सकती बिकॉज़ व्हेन आई सॉ दमादम आई ओनली सॉ माय सेल्फ यू नो दैट इज ट्रू